युवक ने मंगलवार को दोपहर 11 बजे अपने मोहल्ले की ही एक हिंदू लड़की का अपहरण चाकू की नोक पर कर लिया। लड़की के परिवार के लोग सुबह से ही मजदूरी पर निकल जाते हैं, जब शाम को घर लौटे दोनों ने लड़की को नहीं पाया तो नजदीकी थाने पर FIR दर्ज करवाई। परिवार के लोगों का कहना है कि लड़की को सामूहिक रूप से उठाया गया है। नगर सतवास में वोट क्रमांक 12 अतवास के एक मुस्लिम युवक ने मंगलवार को दोपहर 11 बजे अपने मोहल्ले की ही एक हिंदू लड़की का अपहरण चाकू की नोक पर कर लिया। लड़की के परिवार के लोग सुबह ही मजदूरी पर निकल जाते हैं, जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने लड़की को नहीं पाया तो नजदीक थाने में FIR दर्ज करवाई। परिवार के लोगों का कहना है कि लड़की को सामूहिक रूप से उठाया गया है और घर पर सामान इधर उधर पड़ा हुआ मिला। उक्त घटना पर पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और मुस्लिम युवक के परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी। परिवार के लोगों के साथ हिंदू संगठन के साथ युवक की गिरफ्तारी को थाने के सामने रोड जाम कर बैठ गए। रोड पर SDOP ज्योति उमच को ज्ञापन दिया। इन लोगों का कहना था कि समय अधिक हो गया है किंतु अभी तक लड़की का कोई अता पता नहीं। आज लड़की नहीं मिलती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में नगर बंद और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। सतवास से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद। आरोपी का मकान बंद करो। आज समस्त हिंदू समाज के द्वारा नगर अतवास में एक हिंदू बेटी को जबरन धोस झपट लेकर चाकू की नोक पर भगा कर ले गए। उसी के आक्रोश में समस्त हिंदू समाज आज सतवास थाने के सामने पुलिस प्रशासन एवं तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन और चेतावनी दे रही है कि 12 घंटे के अंदर आरोपी को सरेंडर कर मकान नहीं तोड़ा गया तो दोनों नगर सतवास और अतवास कल बंद किए जाएंगे एवं भव्य चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। और मैं श्रीमान को एक ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ। लेकर आज हिंदू संगठन के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बाहर लोग रोड पर आक्रोशित लोग बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अड़ गए हैं और थाने के सामने चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। सतवास थाना क्षेत्र के अतवास गांव से एक महिला आई थी, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनकी पुत्री सुबह बाजार का बोल करके घर से निकली थी, जो अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो उनकी रिपोर्ट पर पुलिस सतवास द्वारा गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई है और उसके बाद में उनके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति पर शंका जाहिर की गई, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा लगातार बालिका की दस्तियाबी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और टीमें यथासंभव स्थानों पर भेजी गई हैं और इसमें शीघ्र ही पुलिस सफलता प्राप्त करके बालिका की दस्तियाबी होने के उपरांत जैसा बालिका बताएगी उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई आगे करेगी। पास में हुए लोक जहाज के मामले को लेकर विश्व हिंदू बजरंग ने चक्का जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं समस्त हिंदू समाज के द्वारा कल एक हमारी आदिवासी बहन को एक मुसलमान ने चाकू की नोक पर, रियाज नाम का लड़का है मुसलमान का, जिसने अतवास से उठा ले गए हैं, उसके खिलाफ हमने थाने सतवास को रात को 10 बजे अवगत भी कराया, रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। समस्त हिंदू समाज आज ये ज्ञापन लेकर SDOP मैडम और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई की जावे, उचित कार्रवाई की जावे और आरोपी का मकान ध्वस्त किया जावे। आरोपी का मकान किसी कारणवश अगर ध्वस्त नहीं किया गया तो कल दोनों नगर बंद करवा कर चक्का जाम जैसी कार्रवाई की जाएगी। समस्त हिंदू समाज साथ में है, हमारा मानना है हमारी बेटी को न्याय मिले। जय जय सियाराम।